फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा द ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन। जो स्पिनोइड बोन होती है उसके हाइपोफाइजियल फोसा में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड होती है, कौन सी ग्लैंड हाइपोफाइजियल फोसा में पाई जाती है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड और ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन डी थायमस ग्लैंड। देखिए जो थायमस ग्लैंड होती है यह चेस्ट के मीडियस्टिनल कैविटी में पाई जाती है और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यह किडनी की ऊपरी, जिसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं, यह किडनी के ऊपरी पार्ट पर पाई जाती है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है यह गर्दन के निचले भाग में पाई जाती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इफेक्ट ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है उसका क्या इफेक्ट है। ऑप्शन ए ओलिगोयूरिया, ऑप्शन बी अनयूरिया, ऑप्शन सी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जो ओलिगोयूरिया होता है यह यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml, जो 400 ml से भी यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। और अनयूरिया में यूरिन आउटपुट 100 ml से भी कम हो जाता है उसको अनयूरिया कहा जाता है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट यह डायबिटीज की कंडीशन में देखने को मिलता है जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का काम होता है। इसका इफेक्ट होता है कि यह किडनी ट्यूबुल्स से वाटर के ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देता है जिस कारण यूरिन का आउटपुट जो है वह डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, जो थायराइड ग्लैंड होती है वहां वह कहां प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए चेस्ट, ऑप्शन बी वैक, ऑप्शन सी एब्डोमेन और ऑप्शन डी नेक। जो थायराइड ग्लैंड होती है यह गर्दन के निचले भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो नेक में पाई जाने वाली ग्लैंड है वह थायराइड ग्लैंड होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन इंक्रीज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, कौन सा हार्मोन है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी HCG और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है यह मिल्क प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। और जो HCG है इसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। और जो LH होता है इसको ल्यूटराइजिंग हार्मोन बोलते हैं और FSH होता है इसको हम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। जो पोस्ट मीनोपॉजल वोमेन होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा FSH का लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ता तो LH का भी है लेकिन FSH जो होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल पोस्ट मीनोपॉजल वोमेन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन और ऑप्शन डी कार्टिसोल। एपिनेफ्रिन और ये नॉर एपिनेफ्रिन ये क्या है, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। थायरोक्सिन जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं और जो कॉर्टिसोल होता है यह मेजर स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है जो कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मेजर स्ट्रेस हार्मोन है वह कॉर्टिसोल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज कैटाकोलामाइन, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन से कैटाकोलामाइन्स कहलाते हैं।
ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी नोरेपिनेफ्रिन और ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन ये कंबाइनली ये तीनों को एक साथ में हम कैटाकोलामाइंस कहेंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो कैटाकोलामाइंस होते हैं यह एड्रिनल मेडुला जो पार्ट होता है, एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है जो एड्रिनल ग्लैंड का, उससे सीक्रेट होते हैं जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।